नमस्कार, आप देख रहे हैं सेवन से हिमाचल आजकल और मैं हूं दीक्षा कोहली। खबरों की ओर रुख करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। प्रदेश बीजेपी का अंदरूनी विवाद दिल्ली दरबार में भी नहीं निपटा, धूमल शांता और गडकरी की बैठक रही बेनतीजा। विधानसभा चुनाव के चलते धूमल सरकार आधी अधूरी योजनाओं के उद्घाटन करने में जुटी, कहा रामलाल ठाकुर ने। भयंकर गर्मी के चलते हमीरपुर के एक दर्जन से ज्यादा स्कूलों में पेयजल संकट गहराया, शिक्षक अभिभावक कर रहे हैं ग्रीष्मकालीन छुट्टियां जून माह से करने की मांग। मनरेगा योजना चौहर घाटी वासियों के लिए साबित हो रही है वरदान, भूमि सुधार कार्यों से घाटी के सूखे बंजर खेत लगे लहलहाने। और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश बीजेपी में मचा बवाल दिल्ली दरबार में भी नहीं सुलझ पाया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के बीच पैदा हुआ गतिरोध कम होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। इस विवाद को लेकर मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल व बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शांता कुमार की बैठक बीते सोमवार रात पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी के साथ दिल्ली में हुई। बेशक बीजेपी आलाकमान ने दोनों नेताओं का आपसी मनमुटाव खत्म करने की नसीहत दी है, लेकिन इस बैठक में कोई नतीजा नहीं निकला। प्रदेश भाजपा में मचा कोहराम थमने का नाम नहीं ले रहा है। विवाद बढ़ता देख पार्टी आलाकमान ने मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल व भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शांता कुमार को दिल्ली तलब किया। दोनों वरिष्ठ नेताओं की दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी से मुलाकात भी हुई। नतीजा कुछ खास नहीं निकला। पार्टी सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में कांग्रेस द्वारा लगाए जा रहे सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप व नए जिलों के गठन को लेकर चर्चा हुई। बताया यह भी जा रहा है कि शांता कुमार कांगड़ा का विभाजन कर नए जिलों के गठन के पक्ष में नहीं है। हाईकमान को उन्होंने जिलों के गठन को लेकर अपना स्टैंड भी साफ कर दिया। बैठक के दौरान दोनों नेताओं को नितिन गडकरी ने नसीहत दी है कि विधानसभा चुनाव सर पर हैं, ऐसे में पार्टी में उपजे विवाद को यहीं खत्म कर देना चाहिए। सूत्र बताते हैं कि आलाकमान ने विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा में किसी भी तरह के नेतृत्व परिवर्तन ना करने के साफ संकेत दिए हैं। बैठक में भाजपा छोड़कर गए वरिष्ठ नेताओं की पार्टी में वापसी को लेकर गंभीरता से विचार किया गया। कहा जा रहा है कि हिलोपा के मुखिया महेश्वर सिंह का मामला भी शांता कुमार ने ही बैठक में उठाया। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा की अंदरूनी लड़ाई पार्टी आलाकमान के लिए सिरदर्द बन गई है। भाजपा आलाकमान ने मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल व पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शांता कुमार को एक मंच पर लाने की कवायद तेज कर दी है। भूपेंद्र चौहान, सेवन सी हिमाचल आजकल, शिमला। प्रदेश सरकार इस समय आधी अधूरी योजनाओं के उद्घाटन करने में ही व्यस्त है। ये योजनाएं आगे चले या ना चले, इसकी किसी को भी परवाह नहीं है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं पूर्व वन मंत्री रामलाल ठाकुर ने ये आरोप मंगलवार को नैना देवी में पत्रकारों से बातचीत करते हुए लगाए। उन्होंने कहा कि यहाँ सिहुला पेयजल योजना से अभी तक मात्र 2 कनेक्शन दिए गए हैं, लेकिन सरकार ने इसका भी उद्घाटन कर दिया है। गवर्नमेंट स्कीमों का उद्घाटन करने में ज़्यादा इच्छुक है। वो स्कीमें जो कंप्लीट नहीं हुई है उनका उद्घाटन हो रहा है। अभी मुख्यमंत्री जी पीछे आए थे, उन्होंने 2-3 स्कीमों का उद्घाटन किया और वो तीनों स्कीमें जो है वो पानी मुहैया नहीं करवा रही। टैंक में पानी डाल दिया। एक स्कीम जो कोई 2.25 करोड़ रुपए की स्कीम बनी, उस स्कीम में 2 कनेक्शन दिए हुए हैं मेन पाइप से, बाकी कोई कनेक्शन नहीं दे रखा है और बोल रहे हैं कि जी उद्घाटन हो गया। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष पीएल पुनिया राजधानी शिमला पहुंचे, जहां पर उन्होंने कहा कि राज्य में 85वां संविधान संशोधन लागू करने का मामला सरकार के सामने रखा गया है। उन्होंने कहा कि दलित प्रताड़ना को रोकने के लिए बने कानून को भी प्रदेश में सख्ती से लागू करवाने की मांग की गई है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष पीएल पुनिया ने कहा है कि राज्य में 85वां संविधान संशोधन लागू करने का मामला सरकार के समक्ष रखा गया है। शिमला के पीटरहॉफ में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री सरवीन चौधरी और प्रदेश के आला अधिकारियों के साथ हुई बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में पुनिया ने कहा कि आयोग 85वें संशोधन को लागू करवाने का पूरा प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा कि आयोग ने इस वर्ग के लोगों की अन्य समस्याओं को भी सरकार के सामने उठाया है।
पुनिया ने कहा कि दलित पर ताड़ना को रोकने के लिए बने कानून को भी प्रदेश में सख्ती से लागू करवाने की मांग की गई है। सभी सचिव प्रमुख विभागों के यहाँ पर मौजूद थे और उनकी उपस्थिति में ये रिव्यू किया गया और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। हमने स्पष्ट रूप से बताया कि पिछली मीटिंग में भी ये मुद्दा उठाया था और कहा था कि यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या परसेंटेज में पंजाब के बाद सबसे ज्यादा है। पंजाब में लगभग 30% है, यहाँ पर वो 25% है और उसके बाद वेस्ट बंगाल आता है और लास्ट में चौथे नंबर पे यूपी आता है। तो इतनी 25% होने के बावजूद पिछली मीटिंग में भी ये उल्लेख किया गया था, मिनट से भेजी गई थी कि अनुसूचित जाति के लोगों को जो सेवाओं में आरक्षण का प्रतिशत वो 25% होना चाहिए, लेकिन अभी तक ये नहीं हुआ। 55th संवैधानिक संशोधन रिजर्वेशन एंड प्रमोशन हुआ था, उसको यहाँ पर लागू नहीं किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट 7C हिमाचल आजकल। बिलासपुर में रह रहे प्रवासी लोगों को स्थानीय लोगों ने पुलिस के हवाले कर दिया है। गौरतलब है कि ये प्रवासी लोग यहाँ पर रहकर गद्दे बनाने का काम कर रहे थे और उनमें भी ग्राहकों को चूना लगाकर थर्मोकोल की शीटें भरकर बेचने में मशगूल थे। पुलिस अधिकारी मुताबिक पकड़े गए प्रवासी लोगों पर बिना पंजीकरण के रहने के तहत कार्यवाही अमल करने में लाई जाएगी। बिलासपुर में स्थानीय लोगों ने अवैध रूप से रह रहे प्रवासी लोगों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। ये प्रवासी लोग शहर के बीचों बीच अतिक्रमण कर बनाए गए एक मकान में गद्दे बनाने का काम कर रहे थे। मजे की बात है कि ये लोग जो गद्दे बनवाते थे उसमें थर्मोकोल की शीटें भरी जाती थीं और इनको 2000 से 2500 तक बेचते थे। इस तरह ये घटिया गद्दे बेचकर जहां आम लोगों को ठगने का काम कर रहे थे, वहीं ये सरकार को भी लाखों का चूना लगा रहे थे। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि बिना पंजीकरण के इन लोगों पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आज हमें सुबह सूचना मिली थी कि शहर की जो मीट मार्केट है, इसके पास कुछ लोग चादरों और गद्दों की यहाँ पे सेल कर रहे हैं और जो ये गद्दे हैं इनमें थर्मोकोल को छोड़कर कुछ नहीं भरा हुआ है। इसकी इन्फॉर्मेशन पे हमने वहाँ पुलिस और एक्साइज की टीम्स भेजी थी। एक्साइज डिपार्टमेंट ने अपनी कार्रवाई उनको फाइन के रूप में की है, जो मेरे को पता चला है। और बाकी इसमें करीब 8-1 लोग थे जो पुलिस को मिले थे वहाँ पर, इनको पुलिस चौकी ला के इनसे पूछताछ की जा रही है। इसमें कुछ लोगों ने रजिस्ट्रेशन हमारे पास करा के रखी थी, कुछ ने नहीं कराई थी। तो इसमें अभी हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं कि गद्दे बना किसी को चीट तो नहीं कर रहे थे, क्या कर रहे थे, और बाकी इन्होंने जो कि कोई रूल या लॉ को वायलेट नहीं किया है। जैसी सूरत होगी वैसी डिग्रेक्शन के खिलाफ किया जाएगा। कुलभूषण चब्बा, 7C हिमाचल आजकल, बिलासपुर। राजधानी शिमला में सार्वजनिक शौचालयों में शुल्क लेने में किए जा रहे भेदभाव पर अखिल भारतीय जनवादी समिति के महिलाओं ने जिलाधीश कार्यालय पर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने निगम प्रशासन के खिलाफ भी नारेबाजी कर कहा कि पुरुषों की तरह महिलाओं को शुल्क से छूट देने की मांग लंबे अरसे से की जा रही है, पर MC इसकी ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा। शहर के सार्वजनिक शौचालयों में शुल्क लेने में किए जा रहे भेदभाव पर भड़की महिलाओं ने जिलाधीश कार्यालय पर प्रदर्शन किया। अखिल भारतीय जनवादी समिति के बैनर तले जुटी महिलाओं ने नगर निगम प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। इस मौके पर समिति के राज्य उपाध्यक्ष मीरा शर्मा ने कहा कि शहर के शौचालयों में शुल्क लेने के मामले में महिलाओं से भेदभाव किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पुरुषों की तरह महिलाओं को इस शुल्क से छूट देने की मांग लंबे अरसे से की जा रही है, लेकिन नगर निगम इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। उन्होंने कहा कि यदि नगर निगम ने इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की तो महिलाएं आंदोलन उग्र कर देंगी। शहर के अंदर महिलाओं से शौचालय के अंदर 2 रुपए और कहीं कहीं 5 रुपए और 8 रुपए तक भी लिए जा रहे हैं, जबकि यूरिनल फ्री है, वो चाहे महिला है या चाहे पुरुष है, यूरिनल सबके लिए फ्री है। लेकिन आप देखते हो कि महिला से वो एंट्री के टाइम पे ही ले लेते हैं, वो चाहे मतलब यूरिनल गए या स्टूल पास किया, वो जो भी किया वो महिला से, केवल इस बात की महिला को सजा दे रहे हो कि आप महिला हो और टॉयलेट में एंट्री किया है तो आपको देने ही पड़ेंगे। तो इस बात को लेकर के, और काफ़ी रोष भी है महिलाओं में इस बात को लेकर, जब हम अभी महिला समिति की तरफ से मेंबरशिप अभियान में अभी शहर के अंदर गए थे तो शहर के कोने कोने से मुद्दा निकल करके आया कि ये बहुत ज़्यादा दिक्कत है, 5 रुपये 8 रुपये तक भी ये लोग लेने लगे हैं। तो यहाँ कॉरपोरेशन में भी हमने बात की थी कि ये चल रहा है, तो CHO साहब ने उधर कहा कि हमने एक चिट्ठी सुलभ शौचालय को निकाल दिया कि ज़्यादातर टॉयलेट यहाँ सुलभ शौचालय मेंटेन कर रहा है, तो कि हमने सुलभ शौचालय को एक चिट्ठी निकाली है कि आप ये
लोगे 2 रुपए महिलाओं से या ये 5 रुपए आप नहीं लोगे। ब्यूरो रिपोर्ट, शिमला 7 सी, हिमाचल आजकल। जोगिंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र के तहत ग्राम पंचायत डहोक के गांव ढेलू में स्कूल से मात्र कुछ ही मीटर दूर शराब का ठेका खोल दिए जाने का लोग कड़ा विरोध कर रहे हैं। स्थानीय ग्राम पंचायत ने 2 बार प्रस्ताव पारित कर प्रशासन से इस ठेके को बंद कराने की मांग की थी। स्कूल के प्रधानाचार्य भी इस मामले में गुहार लगा चुके हैं, लेकिन प्रशासन ने अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं की है। इस ठेके के विरोध में स्थानीय महिलाओं ने मंगलवार को जमकर प्रदर्शन किया। जोगिंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र के तहत ग्राम पंचायत ढड़ोक के गांव ढेलू में स्कूल से मात्र कुछ ही दूर शराब का ठेका खोल दिया गया है, जबकि हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के स्पष्ट आदेश है कि स्कूल या किसी धार्मिक स्थान से 60 मीटर दूरी तक शराब का ठेका नहीं खोला जाना चाहिए। संसद से गुहार लगाई थी कि इस ठेके को बंद किया जाए, परंतु उसके बावजूद भी कई बार बोलने के बावजूद भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ। अच्छा, अभी जो हाईकोर्ट का आदेश आया था कि स्कूल के 60 मीटर के अंदर जो है जो भी शराब के या नशा विक्रय केंद्र जो बंद होने चाहिए, परंतु उसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया था। उसके बावजूद मैं थाना पुलिस थाना गया तो वहां पर SHO साहब से बात की, उसके बावजूद वो नापने के लिए आए यहाँ पर और इसको यहाँ से बंद करवा दिया। परंतु आज उठने बंद होने के बावजूद यहाँ से चंद कदमों की दूरी पर दोबारा फिर ये ठेका खुल रहा है, तो प्रशासन से ये मेरा निवेदन है कि ये स्कूल के पास जो है ठेका ना हो और जो गांव या मतलब इसके सीमा से बाहर होना चाहिए। स्थानीय लोग इस ठेके का कड़ा विरोध कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन ने अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। स्थानीय डोहक पंचायत के उपप्रधान शेर सिंह व वार्ड पंच उर्मिला ठाकुर का कहना है कि इस ठेके के साथ ही लोगों के खेत हैं जहां अक्सर शराबी पड़े रहते हैं, इससे महिलाओं का खेतों में काम करना भी मुश्किल हो गया है। तो बोले कि आपको ठेका नहीं चाहिए और स्कूल के 60 मीटर के रेंज में ठेका रहा है, ठेका जो उठाया जाए, गाँव साथ में गाँव है, बिल्कुल ठेका जनता की डिमांड, ठेका हमको चाहिए नहीं और ठेका जो बिल्कुल यहाँ से चाहिए जाना चाहिए ठेका, ये यहाँ से ठेका उठना चाहिए, क्योंकि ये बच्चे जनानी जो यहाँ सब खेती बाड़ी करते हैं, रात को पानी भी लगाते हैं और यहाँ जो मर्द है ना बिल्कुल ऐसे घूमे रहते हैं शराबी, डर लगता है, मैं अपनी जमीन का कारोबार सब गांव के हैं। प्रदेश में उच्च न्यायालय के स्पष्ट आदेशों के बावजूद स्कूल एवं धार्मिक स्थानों के निकट शराब के ठेके खोले जाने की शिकायतें आम सी हो गई हैं। लोगों के विरोध के बावजूद यदि प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं देता है तो ये वास्तव में ही गंभीर मामला है। सुभाष एरी, जोगिंद्रनगर 7 सी, हिमाचल आजकल। प्रदेश में बंदर के बाद अब भालुओं के हमले भी जानलेवा साबित हो रहे हैं। कुछ ऐसी ही घटना मंडी के गोहर उपमंडल में देखने को मिली, जहां पर भालू के हमले से एक बुजुर्ग महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। बताया जा रहा है कि घायल महिला जंगल में पशु चराने गई थी कि जहां पर 2 भालुओं ने उस पर हमला कर दिया। फिलहाल महिला का मंडी के क्षेत्रीय अस्पताल में इलाज चल रहा है। मंडी जिला के गोहर उपमंडल में भालू के हमले में एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल महिला को 108 एम्बुलेंस द्वारा गोहर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोहर लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए क्षेत्रीय चिकित्सालय मंडी रेफर कर दिया। दिष्टी पंचायत के सरियाच गांव की 60 वर्षीय धनेश्वर देवी आज सुबह 8 बजे गोलहर जंगल में पशु चराने गई थी। अचानक उस पर 2 भालुओं ने हमला कर दिया। वहीं पास में ही पशु चरारी 2 अन्य औरतों के शोर मचाने पर वह भालू के चुंगल से बाहर आई। गोहर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की चिकित्सक डॉक्टर सीमा ने बताया कि महिला के मुंह और सिर में काफी चोटें आई हैं। फिलहाल चोटें बाहरी लग रही हैं, लेकिन महिला की हालत को देखते हुए उसे मंडी रेफर कर दिया गया है। पशुओं को चराने के लिए तब 2 भालुओं ने इनके अटैक किया होगा, तो उस टाइम पे हमें काफ़ी चोटें आई हैं। इनको मेनली आई है इनके सिर के ऊपर आई है, फेस पे आई है और थोड़ी छाती पे आई है, यहाँ पे ही है ज़्यादा चोटें। और बाकी तो वैसे ऐसे है कि नॉर्मली हील अप होने वाली है, जो हो जाएगी, पर जो आँख वाली चोट है उसमें है ज़्यादा, कि उसमें अंदर को काफ़ी डीप है, तो उसमें हमें आगे को भेजना पड़ेगा और उसमें देखना पड़ेगा आगे कुछ है तो नहीं। और बाकी तो ऐसा है कि नॉर्मली लगता है कि वैसे इनके जो वाइटल्स जिनको होते हैं नॉर्मली पल्स वगैरह वो ठीक ही है, पल्स थोड़ी सी मतलब फीवर टाइप है, उसमें ऐसा है कि ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाती है इन केसेज में, तो इस वजह से पल्स जो है वो थोड़ी सी कम वॉल्यूम की है, बट बाकी इनको फ्लूइड वगैरह लगा दिया है। और यहाँ पे मतलब हमने जो फर्स्ट एड ट्रीटमेंट है वो सारी जैसे स्टिच वगैरह लगाना, ड्रेसिंग वगैरह करना, वो सब कुछ यहाँ पे कर दिया है। सुनील शर्मा, गोहर 7 सी, हिमाचल आजकल। 7 सी हिमाचल आजकल में खबरों का सिलसिला जारी है। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए 7 सी हिमाचल आजकल के साथ।